जे तुसी इस चैनल ते नवे हो तो चैनल नू सबसक्राइब करो ते बैल आइकॉन जरूर दबाओ ता जो साड़ी नवी वीडियो सब तो पहला तुहाडे कोल पहुंचन। तुहाडा सारयां दा स्वागत है इंडिया तो लाइबेरिया दे चौथे भाग च इथोपिया एयरपोर्ट ते असी इथोपिया पहुंचण वाले हां। इथोपिया दे उपर बदलां दे भी उपर तुसी देख सकते हो तुहानू पहाड़ी पहाड़ दिसदे पए आ। अफ्रीका के 70% पहाड़ इथोपिया पाए जाते हैं तो ये गल बहुत घट लोग जानते हैं। असी इथोपिया पहुँच गए हैं अदिश अबाबा बोले इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तो सिक्योरिटी चैकिंग वास्ते जाते हुए ये ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है तो पहले नाल काफ़ी बदल गया है। पहला भी मैं आया सीगा जो 2012 च पहली बार लाइबेरिया तो इंडिया आना सीगा तो इस एयरपोर्ट थानी गए थे। ये जो तुसी प्लेन देख रहे हैं ये असी आए हैं इथोपिया का काफ़ी बड़ा प्लेन आ। तो जे गल करिए एयरपोर्ट की तो एयरपोर्ट काफ़ी डिवेलप होया, पहले इन्नी डिवेलपमेंट ज़्यादा नहीं सी, हले भी काम चल रहा, समान पिया तुहानू नज़र आ रहा। तो मेरा 3-4 बारी मैं इस एयरपोर्ट थानी आना जाना हो गया, काफ़ी चंगा एक्सपीरियंस रहा इस एयरपोर्ट नाल। जे गल करिए एयरलाइन की इथोपिया एयरलाइन की तो अफ्रीका की काफ़ी पुरानी एयरलाइन एक वा तो जो कि अपनी सर्विस पूरी दुनिया च लगभग सारे देशों में दिंदी है। इंडिया विच दिल्ली मुंबई चेन्नई तो बंगलौर विच इथोपिया के फ्लैटा जाने। इथोपिया अफ्रीका की पहली कंट्री है जिहदे कोल बोइंग 787 जहाज है जिन्हों अफ्रीका वन का नाम दिता गया सी। हर एयरपोर्ट ते लॉड्स बने होंगे है तो जेडे कि बिजनेस क्लास वास्ते फ्री होंगे है तो जे नॉर्मल बंदा लेना चाहे तो वो वास्ते पे करना पैंदा $50 US तक की कीमत होंगी है जो कि पे करनी पैंदी है। तो लॉज के बैठने वास्ते सोफे लगे होंगे है जो कि सफर में आरामदायक होंगे है। चलो हम तुम इतने ड्यूटी फ्री दुकाना दिखाते हैं तो ये दुकाना ड्यूटी फ्री इन्होंने सारा कुछ मिल जाता है तो शराब दुकाना सारे पास मिल जाए। इतने की शराब अलग तरह की है, बूट बूटों के प्राइस जो तुम जाओगे तो हैरान हो जाओगे, $70 $100 US तो भी ज़्यादा है। तो ज्वेलरी की दुकाना फिर कपड़े की दुकाना ये ट्रेडिशनल कपड़े इन्हों इथोपियन लोगों के देखो छोटे छोटे बच्चों के कपड़े रंग बिरंगे कपड़े तो ड्यूटी फ्री दुकाना। इस इन दुकाना कच के शीशे लगे होंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं, बस सारे पास कवरिंग दो रास्ते होंगे एक आने का एक जाने का। तो आ जी बैठिया दो बीबिया तो पहलो देखिया तो समझ नहीं लगी, बाद थोड़ी सर्च की पता लगा जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी का जन्मदाता जो है इथोपिया ही है। पहली बार इथोपिया विच ही इहदी खोज की गई सी तो मैं देखा कि इन्होंने कॉफ़ी के कप रखे है तो मोहरे खिला रखिया है पॉट विच पा के, तो मैंने देख के बड़ी हैरानी हुई। बाद मैं देखा ध्यान नाल तो सर्च किया तो यह भी एक जनरल नॉलेज वाली गल वा। असी दुकाना देखते देखते हुण गांह आ गए तो इत्थे कीमत सुन के तुसी हैरान हो जाना, जो कि नॉर्मल चीज़ा है बैग पे है, बैग $50 तो घट नहीं हो, तो बूट आ जैकेट पई है, जैकेट इन दे रेट $100 $150 तो ज़्यादा भी है। बाकी देखने नूं वधिया लगा तो हुण असी आ गए हैं चॉकलेट की दुकान च, आसे पासे चॉकलेट ही चॉकलेट। इत्थे तुहानूं हर तरह दी चॉकलेट मिल जांदी है, डार्क चॉकलेट
ਕੋਕਾਇਆ 72% 94% ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਕਲੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਫੀ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਤੋੜੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਫਲੈਟ ਸੀਗੀ, ਕੁਛ ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, 1-2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ, ਜਦਕਿ ਜੋ ਫਲੈਟ ਅਗਲੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਫਲੈਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਥੋਪੀਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਦਿਨ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ।